अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है। पर एक बार का लाया हुआ जल तो नीचे गिर गया। कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहां शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो, अब देखिए जरा देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित, क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा,